जब मैंने ओल्ड मैन का पोर्ट्रेट ड्रॉ किया ना, तो बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया और बोला कि ऐसे जो स्केचेज हैं ना, आप ज़रूर डालिए, जिससे कि हमें और ज़्यादा बेनिफिट हो, जिसको हाइपर रियलिस्टिक हाइपर रियलिज्म बोलते हैं। और बहुत सारे लोग के मैसेज आए कि आप जो पोर्ट्रेट आपने डाला है, कुछ हमारे लिए भी डालिए, हमारे लिए मीन्स कि बिगनर्स के लिए भी, कि बेसिक शेडिंग क्या होती है, बेसिक शेडिंग कैसे करते हैं, पोर्ट्रेट में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एक बेसिक शेडिंग को, तो एक बेसिक फंडामेंटल जो है वो आप ज़रूर डालिए। तो ये सोच के मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया है, जिसका आउटलाइन ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ और आप लोगों ने पसंद भी किया है। तो आउटलाइन ऑलरेडी आ चुका है, अब बारी आती है शेडिंग की। तो शेडिंग मैंने थोड़ा बेसिक लेवल का रखा है, जिससे कि आप लोगों को बेसिक जो फीचर्स हैं, बेसिक लाइट सेटअप है, बेसिक लाइट सेटअप हम कैसे करते हैं फेस पे, उसको हम कैसे शेडिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सब मैंने किया है इस ट्यूटोरियल में। आप चाहिए देखिए और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि बेसिक्स हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बेसिक शेडिंग जो है वो मैं हमेशा ही आपको बताता रहूँगा, बीच बीच में आपको एक हाइपर रियलिस्टिक हाइपर रियलिज्म ज़रूर मिलता रहेगा। तो मैं हूँ अभिषेक, स्केचबुक भाई अभिषेक से। तो चलिए शुरू करते हैं। Thank you so much each and everyone for your valuable support. Now support value start from 29 rupees only. अब हम start करेंगे shading and blending. Last tutorial में हम लोगों ने cross hatching किया था close to eyes. तो यहाँ पे अभी हम लोग करने वाले हैं इसको blend tissue paper से ही, और paper हम लोगों ने use किया है Brusto का 200 GSM. Mostly मैंने 200 GSM use किए हैं hyper realistic या फिर realistic sketches के लिए। तो यहाँ पे जितने भी मैंने बनाया ना, जितना भी आउटलाइन किया है ना, सबको मैंने कर दिया ब्लेंड। तो ये एक तरीके से आपके लिए हो गया है प्राइमरी लेयर, बेसिक लेयर। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल ली है, एकदम बेसिक आउटलाइन की पेंसिल, जिसमें आप जितने लेयर्स हैं ना, जितनी आप लेयरिंग करते हो, लेयरिंग में शेडिंग करते हो, तो यहाँ पर सारे पेंसिल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। जनरली क्या होता है ना कि हम लोग एक पेंसिल लेते हैं 4B या 2B, सारा स्केच उसी से कम्प्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कुछ, जैसे सबसे पहला मैंने जो लेयर लिया है वो है 2B का लेयर। 2B का लेयर मीन्स कि इसकी जो डार्कनेस होगी कम होगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप शेडिंग करते हो ना, तो कुछ करेक्शंस होते हैं, तो बेसिक लेयर में अगर आप कर लोगे ना तो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपको जो डार्कनेस है ना, अभी क्या है ना कि हमारे पास रेफरेंस है। एक अच्छी बात यह है कि रेफरेंस सामने रहने पर ना, आपको जो एक डार्कनेस और ब्राइटनेस की वैल्यू जो है वो आपको मिलती है वहाँ पे देखने को। तो यहाँ पे हो गई है शेडिंग, अब करेंगे हम लोग ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग के लिए टिश्यू पेपर से बेटर और क्या हो सकता है। तो इसको मैंने एक टेक्निक यूज़ किया है, जैसे कि आप कोन बना के उसको आप पेपर स्टैम्प की तरह यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है टिश्यू पेपर को ही। और एक जो सेकेंडरी लेयर जो है वो हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया है 2B पेंसिल से, और इसके पहला जो प्राइमरी लेयर था मैंने हम लोगों ने किया था मैकेनिकल पेंसिल से, और यहाँ पे कर दिया है ब्लेंड। अब जैसे जैसे हम लोग स्केचिंग करते हैं ना, तो इसको हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे अब ये जो लेयर है ये हम बनाने वाले हैं 4B से, तो अभी डार्कनेस आपको ज़्यादा मिलेगी, और यहाँ पे जैसे रेफरेंस पे तरह, जब तक हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुँच जाते जिस लेवल तक अभी आप देख रहे हो कि आउटपुट है, रेफरेंस है हमारा। और ये जो रेफरेंस है मैंने लिया है वो है लाइव रेफरेंस। ये एक कलर पोर्ट्रेट है जिसको मैंने कन्वर्ट किया है ब्लैक एंड वाइट में। आप या तो मोबाइल पे भी कर सकते हैं, या फिर आप पीसी में भी लेके जा सकते हैं, लैपटॉप में भी कर सकते हैं, तो आपकी कन्वीनियंस जैसे जिसमें ज़्यादा है। और यहाँ पे हो गई है बात डार्कनेस की, तो यहाँ पे आप 6B की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर आप 4B की पेंसिल भी रिपीट कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको हमेशा ही बताता हूँ कि बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से करना है आपको, शेडिंग भी करना है और ब्लेंडिंग भी। तो जब तक आपको नहीं आ जाता है उस तरीके से, क्योंकि अभी क्या है ना, टिश्यू पेपर से हम ब्लेंड करते हैं ना, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं ना, जो ग्रेफाइट पेंसिल के हो या फिर चारकोल पेंसिल के, वो निकल आते हैं टिश्यू पेपर के साथ चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमें, चारकोल पेंसिल में तो हमें लेयरिंग सिस्टम नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेफाइट पेंसिल में हमें वो फ्रीडम मिलता है कि हम लोग, क्योंकि 12B तक पेंसिल हमारे पास है, और यहाँ पर हम लोग जो पेंसिल यूज़ किया है वो है आर्ट लाइन की पेंसिल, जिसमें आपको डार्केस्ट पेंसिल जो है वो 10B है, तो 10B तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मेकअप ब्रश यूज़ करेंगे यहाँ पे, मेकअप ब्रश इसमें एक बड़े ब्रिसल वाले हैं, जहाँ पे आपको ब्लेंड करने में ज़्यादा आसानी होती है, जैसे कि आप सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट लुक जो होता है ना वो आ जाता है। जैसे आप जनरली हम लोग क्या करते हैं ना,
कि डार्क करते हैं ब्राइट करते हैं, तो ये क्या करता है, एकदम सेटल कर देता है, डार्क को थोड़ा सा ब्लेंड कर देता है और ब्राइट को भी थोड़ा ब्लेंड कर देता है, जिससे क्या होता है ना कि एकदम सॉफ्ट लुक आ जाता है। फिर बाद में हमें थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी मिल जाती है, हमें थोड़ी सी मिल जाती है जिससे कि हम लोग और ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरी सबसे ज़्यादा जो टारगेट है यही कि जो डार्कनेस लेवल है ना, वो डार्कनेस लेवल मुझे रेफरेंस से मैच करना है। जनरली क्या होता है ना कि मोबाइल में जो आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखता है, और वो कॉन्ट्रास्ट लेवल जो है हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि उस लेवल तक लेके जाएं जहाँ तक हमारा रेफरेंस है। और यहाँ पे हल्के हल्के सॉफ्ट हैंड से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट होने के साथ साथ अभी देख रहे हो कि हमारा राइट आई जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें जो फाइनल टच है वो अभी बाकी है, लेकिन हम लोग लेफ्ट आई कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग करेंगे, जैसे कि उसमें आईब्रोज हैं, आईलैशेस हैं, वो सब हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने सेम मेथड से यहाँ पे स्टार्ट किया, जैसे कि जो डार्क वैल्यूज़ हैं, डार्क वैल्यूज़ को पहले दे रहे हैं, और जो वैल्यूज़ देने के बाद इसके बाद हमें ब्लेंड करते जाएंगे, क्योंकि हमें क्या है ना कि फाइनल आउटपुट का वेट नहीं करना है कि हम पहले शेडिंग कर ले पूरा उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे क्या है ना कि हमें मैच करना है डार्कनेस लेवल जो हमारा रेफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक जो जो भी हम लोग करेंगे ना शेडिंग करेंगे, जो भी डार्क वैल्यू देंगे उसको हम ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि मैंने आपको बताया ना कि लेयरिंग करना मतलब क्या होता है ना कि कई सारे ग्रेड्स पेंसिल के होते हैं, और हमें डार्क टू लाइट की तरफ नहीं जाना होता है, हमेशा हमें लाइट टू डार्क जाना पड़ता है, जैसे 2B यूज़ किया, 4B, 6B, 8B, 10B। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और सबसे ज़्यादा जो डार्क पार्ट होता है वो है आईबॉल, तो आईबॉल को हम सबसे ज़्यादा डार्क देना चाहते हैं। और यहाँ पे आईलैशेस हैं, आईब्रोज हैं, तो इन सब पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है जब हम आई ड्रॉ करते हैं, तो क्योंकि ये सबसे प्राइमरी ऐसा लेयर होता है ना जिसमें हमारी नज़रें सबसे पहले आईज पे जाती हैं, तो हम टारगेट सबसे ज़्यादा हम आई पे ही करते हैं, और आई को हमें सबसे ज़्यादा टाइम देके उसको एकदम आपको एक रियलिस्टिक टच जो होता है वो देना होता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी वेट करेंगे, और वो वेट कब तक करेंगे, जब तक कि हम फाइनल आउटपुट ना दें, और जैसे कि सारे और भी नोज़, लिप्स, ईयर्स वगैरह सारे जो कंप्लीट कर लेंगे तो एक फाइनल टच देंगे। और यहाँ पे जो स्किन का जो शेडिंग है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, और सबसे अच्छा मीडियम तो हमारा ब्लेंडिंग का यही है, टिश्यू पेपर। तो एक हल्का सा एक प्राइमरी लेयर देते हैं, आप HB पेंसिल से भी दे सकते हैं, और उसको आपको देना है टच। और यहाँ पे नोज़ जो हम लोग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक रियलिस्टिक टच देने के लिए ना सबसे पहले तो प्राइमरी लेयर तो सबसे पहले हमें देना ही है, और लाइट के अपोजिट साइड में अगर हम शेडो देते हैं ना, कॉन्टैक्ट थोड़ा देते हैं ना, तो और ज़्यादा इसमें एक 3D टच आता है। तो वहाँ पे जैसे भी आप देख रहे हो कि उसकी जो शेडो है नोज़ के नीचे है, अब वो जितना डार्क होगा तो उससे उसकी वैल्यू पता चलेगी, उसमें जो डेप्थ है वो ज़्यादा पता चलेगा, तो आपका जो नोज़ है ना वो एक पॉप आउट होके आएगा, जैसे कि वो दिखेगा कि हाँ एक कितना ऊपर की तरफ आया हुआ है। और ये शेडिंग जो है ये बेसिक लेवल का शेडिंग है, जिसमें बहुत ज़्यादा इसमें स्किन टेक्सचर या फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं मिला है, हम लोगों ने सिर्फ कोशिश ये की है कि इसको रेफरेंस से हम लोग मैच किए। और यहाँ पे आईब्रोज जो हैं वो हम लोग बना रहे हैं मैकेनिकल पेंसिल से, और मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जो बिगनर्स है ना, बिगनर्स के लिए ये पूरा का पूरा डेडिकेट किया। और ये जो है ये आपका सेकेंड पार्ट है, पहले पार्ट में हम लोगों ने आउटलाइन कंप्लीट किया था, और सेकेंड पार्ट में जैसे हम लोगों ने आई और नोज़ ये दोनों हम लोगों ने कंप्लीट किया, और स्किन, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग करेंगे लिप्स और हेयर। तो ये सब जो है हम लोग अगले ट्यूटोरियल में करने वाले हैं, तो जिससे क्या होगा ना कि आपको बहुत ज़्यादा रैपिड जो वीडियो है ना वो नहीं मिलेगा आपको, कि एकदम फास्ट वीडियो नहीं मिलेगा, एक ही चीज़ों में आपको जैसे कि परोस के सब कुछ दे दिया जाता है वो चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, डिटेल मिलेगा यहाँ पे, एटलीस्ट आप लोग कर सकते हैं उसको। और ये जो है ब्रश, मेकअप ब्रश, उससे मैंने किया है सॉफ्ट यहाँ पे, और होपफुली ये ट्यूटोरियल आप लोग को पसंद आएगा, क्योंकि मैंने कोशिश ये की है कि एक जो बिगनर्स है ना, तो बिगनर्स किस तरीके से स्टार्ट करें, क्योंकि उनके लिए क्या है ना कि बहुत ज़्यादा हम हाइपर रियलिज्म नहीं रह सकते, कि कुछ चीज़ें ना बाउंस हो जाती हैं। तो आप स्केचिंग तो कर लेते हो, शेडिंग कर लेते हो, लेकिन वो आउटपुट नहीं आ पाता है। उसका रीज़न यही है कि आपको थोड़ा बेसिक्स जो है ना, बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे अभी आप देख रहे हो स्किन जो है एकदम सुपर स्मूथ कैसे बनेगा, वो सब मैंने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग फोरहेड, लिप्स और बाकी का स्किन और हेयर करने वाले हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया ये बेसिक्स है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बहुत जल्दी ही। आपके जो भी सुझाव हो या कमेंट हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।